आपके सामने क्यों लाए? जवाब दीजिएगा। ये पेपर्स मैंने भी देखे थे, इस पर अनुजा का नाम और उसके दस्तखत मैंने भी देखे थे, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया कि जिस वक्त अनुजा ने पेपर साइन किए होंगे उस वक्त मेरी दीदी मौत से लड़ रही थी, और मेरे पति की नजर आपके जैसी तो है नहीं कि वो हर शब्द पढ़कर उस पर साइन करे, स्पेशली उस वक्त जब उसे किसी की जिंदगी बचानी थी। जिंदगी और मौत का सवाल था, मुश्किल वक्त था, उसे एक गलती हो गई, दैट्स इट। छोटी सी क्लेरिकल मिस्टेक को लेकर आपने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की। मुझे रणवीर पर पूरा भरोसा, कभी ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे जैसा भी किया। रणवीर ने रेजू को अपनी पत्नी का दर्जा तो दे ही दिया ना चाहे, और किसी भी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में किसी और का आना अच्छी बात नहीं है। भले के लिए बोल रही हूँ बेटा, तू शादी करके इस घर में आई है, चिंता है तेरी इसलिए बोल रही हूँ। आपको मेरी चिंता नहीं है, अगर आपको मेरी चिंता होती ना तो आप मुझसे अकेले में बात करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ क्लियर कर देते, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं किया। आपने ये पेपर सबके सामने लाया इसलिए नहीं क्योंकि आपको मेरी फिक्र, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको बहुत बड़ा सीन क्रिएट करना। आपने ये सब कुछ किया इसलिए नहीं क्योंकि आपको मेरी चिंता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको रणविजय की तकलीफ बढ़ानी थी। लेकिन अब बस बात, आप चाहे जो कर लें, मैं रणविजय पर कभी शक नहीं करूंगा।